La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato. नमस्ते सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए दिवाली व्लॉग में। तो आप में से अभी बहुत सारे लोग सोच में पड़ गए होंगे, अरे यार बादशाह कितने व्लॉग बनाएगा यार दिवाली पर, क्योंकि पहले व्लॉग में जो है मैंने दिवाली की शुरुआत दिखाई थी, दूसरे व्लॉग में जो है किसानों की दिवाली यानी गेंदा फूल वाली दिवाली दिखाई थी, तीसरे व्लॉग में जो है अपन अल्लाह ताला के फजल से जो है हमारे पाटिल परिवार की शाही दिवाली दिखाई थी, फिर उसके बाद चौथे पार्ट में जो है अपन बात करे थे कई के बारे में, हाँ फरार के फॉर्मूले के बारे में। तो आज ये व्लॉग क्यों बना रहा मैं, इसके पीछे भी एक कारण है अल्लाह ताला के फजल से। आज सुबह को उठा, पहला सब झंडू के झाड़ा वगैरह तोड़ रहा था, तो अचानक कैलेंडर का एक ये आया, नोटिफिकेशन आया कि बाबा आज भाई दूज है और भाई दूज के बहुत ही बेहतरीन ऑफर जो है सब तरफ निकले सही, तुम्हें जाकर खरीदी करो। भाई दूज से याद आ रहे यार, मुझे लगा था संडे को भाई दूज है, मतलब कल भाई दूज है और आज भाई दूज नहीं है, तो उसकी वजह से मैं केयर फ्री था, लेकिन अचानक मालूम पड़े कि बाबा आज भाई दूज है और मुझे मेरे भान को मिलने जाने का अल्लाह ताला फजल से सोलापुर में। तो अचानक क्लिक होने की वजह से लगी वहाँ से उठा, लगी फ्रेश हुआ, कपड़े पहने, अब्बा सोलापुर को जाने वाले थे, उन्होंने गाड़ी पंचर है बोल के पंचर निकालने चली, तो अभी अपन उनके पीछे पीछे जा रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से। तो एक पूरा है, क्या बोलते अर्जेंसी में काम वाला ऊपर वाले के फजल से, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है अपने वास्ते। तो चलो देखेंगे बोलते आगे क्या क्या होता है कि नहीं। अभी अपने को यहाँ से पानी टाकी को जाने का, पानी टाकी से शक्कर पेट में आगे आपको सब बताता कि मेरी बहन कौन है वो भी दिखाता आपको, है कि नहीं। चलो देखेंगे पूरी पूरी प्रोसेस आपको दिखेंगे यहाँ पर अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला के फजल से गाँव में पंचर भी थी नहीं गाड़ी, तो पंचर काटने के वास्ते गाँव में के दुकान को गए अब्बा, लेकिन सब दुकान बंद है गाँव में के दिवाली की वजह से, भाई दूज की वजह से। तो अभी जो है हमें सीधा क्या करें, घर में पंप था उसमें से हवा टायर में भरते 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 जो है तो इस पंचर दुकान तक आए लक्ष्मी टायर वर्क्स तक, अभी यहाँ से पंचर निकाल को अल्लाह ताला के फजल से सोलापुर को जाएंगे बोलते। तो देखना अभी और आगे क्या क्या होता है, एक बार सोलापुर में गए ना तो बहुत सारे प्लान चेंज होते, मालूम है अपन ठहराते कुछ और काम लेकिन होते बहुत सारे अलग काम, तो देखेंगे क्या क्या होता है अल्लाह ताला के फजल से, है कि नहीं। चलो अल्लाह ताला के फजल से जो है फाइनली अपन सोलापुर को पहुँचे, मतलब अब्बा जो है कौंतम चौक के रास्ते को छोड़ गए थे अपने को, अभी थोड़ी देर में जो है अपने को वापस जाने का है, मतलब अभी अपने को सबसे पहला ओमकार के घर को जाने का है, भाई दूज को सब जने को मिलने का है दिवाली की शुभकामनाएं देने की, फिर उसके बाद देखना मामू कनी जा को पगार मांगने का है क्या। अल्लाह ताला के फजल से बहुत दिन से पगार अटके थे अपनी, देखेंगे उन्होंने देते क्या नहीं देते, है क्या नहीं, दिए तो अच्छा है, नहीं दिया तो अपन क्या करना है अल्लाह की मर्ज़ी समझ को वापस आने का, है क्या। चलो जेन करते देखेंगे क्या क्या होता हो, है क्या। चलो बहुत देर भी ली आज, अल्लाह ताला के फजल से फाइनली गली मिली बाबा, जो गली में से अपने को अपने दोस्त के घर को जाने का है क्या, नहीं तो सलाह पूरी गलियां में फिरे यड़ जैसा मैं, वो थोड़ा कंफ्यूज होता है यार यहाँ की गलियां थोड़ी भूल भुली आ जैसे चाहिए, सब घर से हिम्मत दिखती ऊपर वाले फजल से। चलो अभी जेंगे बोलते हो, है क्या, बहुत ज़्यादा धुलने के बाद घर में आया यार, बहुत ज़्यादा डेंजर हुआ, नहीं बहुत दिन के बाद आया ना मैं, रक्षाबंधन के बाद आया ना यहाँ, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज होता है इसलिए। चलो अल्लाह ताला के फजल से बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जो है फाइनली अपन अपने भाई ओमकार कोलकुर के घर को पहुँचे, वहाँ जाने के बाद जो है मुझे और ओमकार कोलकुर को यानी मेरे भाई को जो है हमारी बहन पूजा ने जो है तिलक किया हमारा दोनों का, फिर उसके बाद हम दोनों भाइयों की जो है उन्होंने आरती की, फिर उसके बाद जो है मुझे जो है उन्होंने मिठाई वगैरह खिलाई, स्वीट्स खिलाए, फिर हमने जो है बहुत ही बेहतरीन फोटो सेशन किया, फिर उसके बाद फराड़ वगैरह खाने के बाद मैं और मेरे भाई ओमकार ने जो है बहुत सारे फटाके चलाए। भाई दूज के बाद भाइयों के साथ फटाके फोड़ने का मजा ही कुछ और है। हड़ू लावा भवा लाओ हड़ू लावा आई शपथ। अरे कसं झालं माहिती आहे का, काल संध्याकाळी मी आमचे सगळे ट्रॅक्टर लावलो, पूजा झाली, मग पूजा झाल्यानंतर आमचे काका फटाके लावायचं बघायला, बाकीच्यांचे 15 फटाके फुटले असले मोठे, लक्ष्मी आपले हे काय म्हणते त्याला सुतळी बॉम्बचा तर एक पण फुटायला तयार नाही, असं लावायला जात होता पळत येत होता लागायच नव्हतं आणि लागलं तरी फुटत नव्हतं ते।
ले बेकर ये ले दन मन उड़ते शपथ लई जोरत फुटते रे खतरनाक लगलेगा अबे तुझे हाथ कापल है लगलेगा नहीं रे अबे लगले नहीं 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 लो तुझे हाथ कापल है रे अल्लाह ताला के फजल से सब फटाके फोड़े, पूरा भाई दूज का कार्यक्रम पूरा हुआ, दीदी को मिले, उनके घर के सभी लोगों को मिले अल्लाह ताला के फजल से, तो सब अच्छी तरीके से भेल है। नमाज भी जोहर की, तो अभी जो है थोड़ा मामू का ने काम है बोल के आए से, देखना वो काम हुआ तो अच्छी बात है अल्लाह ताला के फजल से, हुआ तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, अल्लाह जो चाहते हैं वो अच्छे के लिए चाहते रहते हैं, तो देखेंगे क्या क्या होता है कि नहीं। चलो जेंगे बोलते मामू का ने वो तक काम हुआ तो अच्छी बात है अल्लाह के फजल से, बहुत ज्यादा जरूरत है उस काम के पूरे होने की अपने के। चलो अल्लाह ताला के फजल से जो है अपना सब काम खत्म हुआ, मतलब अभी नाना करने गया था मैं, मतलब मामू करने काम था लेकिन मामू करने का काम नहीं हुआ, लेकिन नाना बोले तो नाना जो है उनके बहन के वस्त्र जो इतना सब सामान दिए थे अपने को, तो अभी ये ले को अपन अपने क्लाइंट के पास है, सो है इनको एडवर्टाइजमेंट बना देने का, अपने पप्पू का दुकान है, तो देखेंगे अल्लाह ताला के फजल से क्या क्या होता है। हमारे पप्पू का छोरा अभी आया नहीं, आने के बाद अपना काम चालू करने आता। अल्लाह ताला के फजल से नाना की मिठाई भी, भैया का भी काम हुआ एडवर्टाइजमेंट का, अभी जो है सीधा रंगभवन को जाएंगे बोलते हैं अभी, ठीक है चल। अल्लाह ताला के फजल से पूरे काम खत्म है, एडवर्टाइजमेंट का काम खत्म हुआ, फिर उसके बाद मामू करने जा कोई मामू नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, फिर उसके बाद जो है नाना का भी काम खत्म हुआ, नाना मिठाई दी थोड़ी, तो सभी काम खत्म है ले। अभी फटाके की दुकान ढूंढ रहा तो है, आस पास कोई फटाके का दुकान नहीं है, बहुत दूर है और अपने कहने टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि अभी जो है 4:15 अपने को गोम पूजा नहीं बहुत टाइम लगता, फिर क्योंकि अभी जो है अपने को बहुत सारे वीडियोस भी एडिट करने की अपलोड करने की, तो बहुत अवगढ़ होता है, इसलिए जो है सीधा भी गोम तरफ जाने का सोचे हुए, देखेंगे अभी अल्लाह की फजल से अल्लाह की मर्जी, गाड़ियाँ मिलती है नहीं मिलती है क्या मालूम। चलो जाएंगे बोलते हैं रंगमंची, देखेंगे क्या हालत है रंगमंच पर। अल्लाह ताला के फजल से बहुत देर से जो है बसा नहीं आ रहे बोल के बहुत सारे लोग बोल रहे, बसांगे तो प्रॉब्लम चालू है बहुत दिनों, अभी क्या वो बस वाले कब अपना संप खत्म करते क्या मालूम, उनका भी सही है, उनकी पगार बढ़ने के नहीं, उनको पैसे मिलने के नहीं, तो उन्होंने करने चाहे तो है क्या नहीं, तो देखेंगे अल्लाह ताला के फजल से क्या होता, कौन सी गाड़ी मिलती है उसमें जाएंगे बोलते है क्या, तो ऊपर वाले के हाथ में उन्हें क्या भेजता अपने वास्ते, वो बहुत लगी सो अभी जाने का अपने वो जल्दी। चलो देखेंगे तो क्या है, गर्दी तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला के फजल से बसा तो नहीं मिले, अभी रिक्शा मिले तो है, देखना 40 रुपए देख जाएंगे थे इसमें। चलो नहीं ओ शेट, अल्लाह ताला के फजल से बहुत ज्यादा थकिया यार आज, बहुत ज्यादा थकिया, बहुत ज्यादा लंबी रनिंग हुई, ऊपर वाले की फजल से सब जो कामा के वस्त्र कहते हो कामा भी अच्छी तरीके से, तो दादी दादा जो है दादी जो है कहाँ बाहर गए बोलते गाँव में, किसकी तो मैयत भी शायद वहां गए सोई, तो तब तक यहाँ सब सामान रखो जाएंगे बोलते अपने क्या है यहाँ और क्या होना, लेकिन चलो देखेंगे क्या क्या होता। अल्लाह ताला की फजल से हमारे दादी के भाया बहुत बेहतरीन है यार, बहुत ज्यादा बेहतरीन भाया मिले उनको, हमारे जब्बर नाना जो है ना फर्स्ट अपने इनो सुपर स्वीट वाले, उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते अपने भाना को बहुत ज्यादा, आज भाई दूज है तो अल्लाह ताला की फजल से उनकी उम्र भी ऐसे उन्होंने नहीं आ सकते ना, और धंधे में भी बहुत ज्यादा बिजी, आज दिवाली के जो है गर्दी रहती दुकानों को, तो उन्होंने वहाँ जाने के बाद मुझे उनके पूरे उनके भान को क्या बोले बाबा कि बाबा बादशाह को क्या कर हमारे भान को जो है सब सामान ले जाओ, चूड़ा दिए, फिर उसके बाद शंकर पाड़ा दिए, इसमें क्या है देखिए बोलते अल्लाह फजल से मिठाई चुंगी कुछ बेहतरीन सुपर स्वीट के बेहतरीन मिठाइयाँ है क्या नहीं, ये अपना रवे का लड्डू है ऊपर वाले के फजल से, सुपर स्वीट की मिठाइयाँ का तो सबसे भारी ब्रांड मिठाई है सोलापुर की है क्या नहीं, ये मोतीचूर के लड्डू खुशबू बहुत भारी आनी है अलग फजल से यार बहुत ज़बरदस्त, और ये क्या है भाई ये शायद मिक्स मिठाई होंगी मेरे ख्याल से, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
तो देखो अल्लाह ताला के फजल से आज उनकी उम्र है, हमारे दादी की उम्र 70 साल है और उनके भाइया जो ही 69 साल के, 60 साल के, 66 साल के उनके भाई हैं। अल्लाह ताला के फजल से एक भाई तो 85 साल के, तो वो सब जिन्हें जो है अभी भी हमारी दादी को छोटी बहन के जैसा, बड़ी बहन के जैसा प्यार करते और उनको जो है अभी भी जो है रमज़ान को ईदी भेजते, रमज़ान को कपड़े भेजते, उनको साड़ी वगैरह, उनको छोड़ो हमना भी अल्लाह ताला के फजल से उन्हें उत्ताज खिलाते, उत्ताज पिलाते, उत्ताज मोहब्बत करते, सगे नवाशे उनको जितना नहीं करते, उन्हें पोतंदा को उतना नहीं करते, उतना हमना करते अल्लाह ताला के फजल से। तो ऐसे भाना भाया जो है अल्लाह सब जना को देना है क्या नहीं, ये भाई दूज का सबसे बेहतरीन मूवमेंट है मेरा आज का अल्लाह ताला के फजल से। चलो अभी ये सब सामान जो है रखेंगे बोलते हैं, थोड़े बटर और टोस्ट भी है ऐसे वो भी रखेंगे बोलते हैं और सीधा खेत को जाएंगे बोलते हैं कि नहीं। चलो वो दादी की अमानत जो है नाना दिए सो अपन दिए। देखो दादी तुम बहुत लकी हैं, तुम ना भाया अभी भी ये उम्र में भी भाया तोहफा भेजना का तो बहुत बड़ी बात है, या भाया पूछती भी नहीं किसकी किसे दोस्तों। तुम्हारी दुआ की वजह से चाहे वो माँ और भाना की दुआ हमेशा लगती रहती है अलग फसल से। मिक्स मिठाई दी मेरे सामने भरी नहीं सब। अल्लाह ताला के फजल से सुबह को सफर पर निकले सो अब भी घर को वापस है, मालूम है क्या क्या हुआ? मैं जब गांव में आया ना तब मालूम पड़ेगा वो हमारे एक रिश्तेदार का जो है इंतकाल है, मैं जो बोला ना अभी वीडियो के अंदर थोड़ी देर पहले बोला था ना, तो मुझे मालूम नहीं था कि वो कड्डी दादी का इंतकाल मिला, यानी हमारे गाँव में गुलाब नाम का हमारे एक चाचा ही उनके दादी का इंतकाल है, तो वहाँ गए तो उसके जैसे अल्लाह ताला के फजल से और थोड़ा देर में, तो अभी जो है अल्लाह ताला के फजल से पूरा काम खत्म करके आए हैं, अभी फ्रेश होंगे फिर उसके बाद खाना खाएंगे बोलते हैं कि नहीं। सुबह से फक्त फराल पर है, घर में से फरालच कर गए थे, वहाँ जाकर भी भाई दूज की फरालच करें और नाना उनके अभी फरालच करें, तो वह सब फराल का फैल गया आज काम अल्लाह ताला के फजल से। तो फिर भाई दूज भी बहुत अच्छे तरीके से बीता। भाई दूज में जो है ना बहनों को भाइयों को मिलने आने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यमराज जो है अपनी बहन यमी को मिलने गए थे, यमी उनके भाई यमराज को मिलने नहीं आई थी, ठीक है ना, तो इसलिए जो है मैं हर साल जो है इंशाल्लाह अपनी बहन को मिलने जाने की जो है कोशिश करूंगा, मतलब गए साल भी गया था, इस साल भी गया था और इंशाल्लाह अगले साल भी जाएंगे बोलते, क्योंकि बादशाह एक बार जो वादा करता वो मरे तक निभाता है क्या। तो फिर चलो देखेंगे बोलते अल्लाह ताला के फजल से क्या क्या होता। आप सभी लोगों का शुक्रिया इस पूरे ब्लॉग को आखिर तक देखने के लिए, अगर आपको ये पूरा ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बताओ और जाने से पहले अपने भाई के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। जय हिंद।